हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेटवाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। ठीक है जी, हमारा एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चला गया भाई साहब। ऑफलाइन एग्जाम हुआ, कहीं कोई ऐसी दिक्कत जो है बच्चों को नहीं हुई। हमने ये सारी चीजें पूछा। और जो इस बार का पेपर जो था वो भाई साहब, मतलब पिछले 3-4 शिफ्ट की बात कर लो, पिछले 2-2.5 सालों की बात कर लो, उनमें से सबसे बेहतरीन जो क्वेश्चन है, सबसे मजेदार क्वेश्चन है, वो आए हैं। मैंने लास्ट के 2 वीडियो जब अपना बनाया था तो मैंने ये बात बोली थी कि इस बार का पेपर जो है वो इजी आएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऑफलाइन शिफ्ट करने वाला है, तो यहाँ पे जो असम्पशन डिविजन के जो क्वेश्चन थे या बहुत सारा ऑप्शन वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था वैसा नहीं है, बहुत बहुत सही और सही तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम जो है वो कॉमर्स का पेपर वन में जो आपका जो शिफ्ट है वाला जो है ना, कॉमर्स शिफ्ट वाला पेपर वन, उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, डीआई को सॉल्व भी करेंगे और सारे के सारे आंसर्स की बात करेंगे। एक चीज तो मैं आपको पहले एक चीज और बोल देता हूं। देखो, ये मैंने बहुत रिसर्च करके, मैंने सब कुछ देख के अच्छे तरीके से कोशिश किया कि आपको आंसर्स दे दूं, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभी एनटीए क्या करता है कि भाई साहब उस क्वेश्चन को वो नहीं मानता है, ठीक है। तो इस बात को लेकर मैं आपको पहले श्योर कर दे रहा हूं कि मेरा बहुत बहुत मेहनत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने सारी चीजें अच्छे से देख ली है और तब ये आंसर्स की आपको बता रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर एनटीए कोई और क्वेश्चंस, मतलब कोई और आंसर्स 1-2 क्वेश्चंस में करता है तो उसमें कोई करने वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, है ना। मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है जी। चलिए तो शुरुआत करें ज्यादा देर ना करते हुए। पेपर वन कॉमर्स शिफ्ट में क्वेश्चंस WXYZ करके 4 ऑप्शंस के 4 पेपर अलग अलग दिए गए थे। आप कोई भी पेपर आपका हो रहा हो WXYZ में, आप इस पेपर से मिलाइएगा, क्वेश्चंस थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाएंगे, आपको सारा का सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करें। तो आइए पेपर वन हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। क्या है पेपर वन? देखिए थोड़ा कम दिख रहा होगा, पेपर है ना, तो इसी पेपर को आपका लिया गया स्कैन करके फिर आपको ये चीजें बताई गई है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो डीआई है ना, डीआई की बात करते हैं। और डीआई जो है बड़ा इजी तरीके से पूछा गया, देखिए क्या क्या गया, कह रहा है एक जो टेबल दिया गया, देख रहे हो ये टेबल है, क्या है टेबल है, जो क्या बता रहा है कि भैया रीडर्स पढ़ने वालों का परसेंटेज बता रहा है, क्या पढ़ने वालों का, मैगजीन पढ़ने वालों का, कौन कौन से ईयर में, 2019 में और 2023 में। 6 शहर हैं, अलग अलग शहरों में 2019 और 2023 में जो भी मैगजीन पढ़ने वाले हैं उनका परसेंटेज बताया कि भैया इतने परसेंट लोग मैगजीन पढ़ते हैं, और सिटी वाइज, ठीक है। 6 शहर कौन कौन से, ABCDEF, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस पर 6 क्वेश्चंस कुछ दिए गए, क्या क्या दिया गया देखिए ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन, कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6 सिटीज, 6 शहर से ए और एफ टुगेदर है, 2023 में जो है, ठीक है, उसका टोटल वैल्यू कितना, 50,000 दिया हुआ है। देन द नंबर ऑफ रीडर्स मोर देन 7400 इन एग्जैक्टली, तो भैया सीधा सीधी बात समझिए, 2023 का जो टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, सर 50,000 रुपया, कितना दिया हुआ है 50,000 रुपया, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि 2023 का टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है 50,000, ठीक है जी सर। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब आप मुझे बताइए कि जो परसेंटेज दिया हुआ है उस परसेंटेज में 7400 रुपए से ज्यादा अमाउंट किसका किसका आया है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिक सा चीज है, देखिए क्या करना है, एकदम सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। पहला चीज क्या है ध्यान दीजिएगा, बोला भाई साहब वैल्यू कितना है जी, सर 50,000 है, किसके लिए, सर 2023 वाले में, है ना टोटल। तो भाई साहब सिंगल की बात करते हैं, सबसे पहला जो है आपका 2023 में वो है 15%, कितना दिया हुआ है ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 15% एसीटी में, कितना दिया हुआ है एसीटी का 15%, तो 50,000 का 15% निकाल लीजिए, कितना आएगा, 50,000 का 15% अगर निकालेंगे तो 7500 रुपया आएगा, कितना आएगा 7500 रुपया आएगा, बस यही करना था। अभी सारे बच्चे क्या करेंगे, एक एक करके सबका निकालेंगे, जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने कह दिया भैया 7400 रुपए से ज्यादा किसका आने वाला है, और 7400 रुपए से ज्यादा देखिए 75% जो है, सॉरी 15% जो है वो 7400 रुपए से ज्यादा है, तो ये 15% से जितने भी ज्यादा होंगे वो 7400 से ज्यादा होंगे, बात समझ रहे हो। तो 15% 1, 16% 2, 28% 3, 10 और 9% 15% से कम है, तो ये 7400 से कम होंगे, तो इसको छोड़ दीजिए, और 22% 4, यानी कि 4 ऐसे सिटी हैं जो 7400 से ज्यादा पाठक यानी कि रीडर्स जो हैं वो अवेलेबल है, तो कितना आंसर हो जाएगा,
फोर नंबर या सॉरी थर्ड नंबर यानी कि फोर, है ना, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड नंबर, ठीक है, फोर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ लीडर्स फ्रॉम द सिक्स सिटीज 2019 और 23 में जो है वो 4.3 है और आपका कितना है 5.7 है, कितना है 4.3 और 5.7, ये ध्यान से इसको समझिएगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया 2019 में और 2023 में जो टोटल वैल्यू है ना वो कितना है, यानी कि 6 सिटीज का वैल्यू कितना दिया गया है सर, एक में दिया हुआ है 4,70,000, यही है ना, देख लें एक बार कितना है जी, 4,30,000, सॉरी 4,30,000 और 5,70,000, है ना, तो इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, मैं डीआई से सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको इजी समझ में आ जाएगा। ये लीजिए कितना है 4,30,000 और 2023 में कितना है 5,70,000, टोटल वैल्यू दी हुई है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक नहीं सर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम सिटी बी एंड सी टुगेदर 2019 और 23। तो भैया 2019 और 23 के बीच का डिफरेंस लेना है, किसमें किसमें, सिटी बी और सिटी सी में, ठीक है, आ जाओ सिटी बी सी देखें पहले सब देख लीजिए। क्वेश्चन ये देखिए, सिटी बी और सी में 2023 और ये इसका डिफरेंस लेना है, नहीं तो भाई साहब 14 और 17 बी और सी दोनों को एक साथ लेना है, तो 2019 में 14 और 17 कितना हो गया 31%, और अगर बात करें हम 2023 में तो 16 और 28 कितना हो गया सर 28 से 34 10 44%। तो अगर हम ऐसा कहें कि सर जो भी वैल्यू होगा 2023 के 44% का 2019 के कितना परसेंट है ये 2019 का 31%, 31% का वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जी सर आ जाएगा। अब वैल्यू निकालिए, आइए पहले वैल्यू निकालते हैं, सिंपल सा वैल्यू कुछ इसमें था ही नहीं, देखो तो इसका एक बार में निकलेगा, ठीक है, 2019 का अगर बात करें 4,30,000 है तो 4,30,000 का कितना परसेंट था 31%, और इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 1,33,300 कितना आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है 2023 में, 2023 का अगर हम बात करें 2023 में कितना है सर 5,70,000 है, कितना है 5,70,000 और इसमें कितना परसेंट है 44% है, ये आ जाएगा 2,50,800 और इसी का डिफरेंस पूछा है, किसका डिफरेंस पूछा है 1,17,500, ठीक है, क्या हुआ 1,17,500। अब इसको अगर पॉइंट में दिया 1.175 लाख, इसको लिख सकते हैं ना देखो, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.175 लाख, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑलमोस्ट मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का दिक्कत हुआ होगा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल सिक्स सिटीज, छह शहर से क्या है 2019 और 23 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर रीडर्स फ्रॉम सिटी ए इन द 2019 टू दैट 2023, मतलब 2019 और 23 का रेशियो 2:5 दिया हुआ है सिटी ए के लिए, क्या दिया हुआ है ये भी समझिएगा, सिटी ए के लिए 2019:2023 दिया हुआ है 2:3, 2:3 या 5 है, कितना है 5 है, सॉरी 2:5 है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, किसके लिए सिटी ए के लिए याद रखिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम द ऑल सिक्स सिटीज, किसके लिए सर वही रेशियो बताना है 2019-23 में, लेकिन सारे के लिए, अभी पूछा किसके लिए भाई साहब, अभी पूछा है सिर्फ और सिर्फ 2000 क्या बोलते हैं दिया क्या है सिटी ए के लिए दिया हुआ है 2:5 ये दिया हुआ है, जी सर। अब ध्यान से समझिएगा, टोटल अमाउंट कितना था ऊपर दिया हुआ था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये देखिए कहां गया, ये 50,000 दिया हुआ है 2023 के लिए, जी सर। अगर 2023 के लिए 50,000 दिया हुआ है तो भाई साहब 2023 का 15% याद रखिएगा, सॉरी 50,000 का 15% कितना होता है 7,500 सर, ये आप कहां से ले आए, यहां देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये टेबल को ध्यान से देखिए, ये टेबल जो ध्यान से देखिएगा क्या है दिया हुआ है 15%, जी सर।
और 2023 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50,000, 50,000 का 15% कितना होगा 7,500, और इस 7,500 की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है 5, कितनी दी हुई है 5, तो इस 7,500 के बराबर 5 होगा, तो एक एक कितने बराबर के होगा सर 1,500 के बराबर होगा। तो अगर 2:5 की बात करें तो 5 के बराबर कितना है 7,500, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 3,000, कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना? नहीं सर। चलिए आइए देखते हैं, कहां गया, हाँ ये रहा, ठीक है। तो आ गया बात, भाई साहब बात समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। तो 2:5 दिया हुआ है, तो 3,000 का ये देखो यहां कितना आ गया था भाई साहब, देखो देखो कहां गया, ये देखो 3,000 आ गया 2 के बराबर। अब ये बात ध्यान रखो, ये वैल्यू थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव था इसलिए ध्यान में समझ में आएगा। अब देखो इस 2 की वैल्यू 1 में, यहां 2 था यहां 5 था, ये रेशियो दिया हुआ है ध्यान रखिएगा, तो ये 5 के बराबर 7,500 था, तो 2 के बराबर कितना आ गया 3,000, और इसी 3,000 के बराबर 10% है, तो अगर ये 3,000 के बराबर 10% है तो टोटल 100% बराबर कितना होगा, ध्यान समझिएगा इसको क्या बोल रहा है, 3,000 के बराबर 10% है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो 30,000 आ गया टोटल का पहला वाला रेशियो, ठीक है, मतलब ये, और 2019 वाला और 2023 वाला आपका कितना 50,000 दिया हुआ है, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3:5, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। फिर से मैं इसको ध्यान से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ध्यान थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, बाकी मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूं। देखो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें ना वैल्यू दी हुई है 50,000 टोटल 2023 का जो ओवरऑल 6 शहर है उसकी वैल्यू दी हुई है, उसमें से यह बताया गया है कि 15% जो है वो ए सिटी में है, तो ए सिटी की वैल्यू 15% निकालेंगे 50,000 का तो हो जाएगा 7,500, ठीक है। अब 7,500 के बराबर 5 रेशियो है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:5, ये देख लो कहां गया, ये देखो 2:5 दिया हुआ है, अब 2:5 तो 5 के बराबर 7,500 तो 1 बराबर कितना 1,500, तो अब इस साइड आ जाओ 2019 में सर 1 बराबर हो जाता है अगर 1,500 तो 2 के बराबर 3,000, और 3,000 के बराबर 10% की वैल्यू दी हुई है इस सिटी में, तो टोटल ये कैलकुलेट करेंगे तो 100% आ जाएगा, तो 3,000 बराबर 10% तो टोटल 100% बराबर 30,000, तो इसीलिए 30,000 वैल्यू निकल के आ गई किसकी सर, पूरे के पूरे 2019 सिटी की, तो आपका रीडर्स की, और 50,000 ऑलरेडी दिया हुआ है तो 3:5 का रेशियो सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये भी ध्यान में सर रखिएगा, कोई बहुत बड़ा 30 मार्क वाला बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है द नंबर्स ऑफ रीडर्स फ्रॉम द सिटी डी इन द ईयर 2019 एंटर्स वर 77,400 और 1,14,000, भाई साहब बी सिटी में 2019 में और 23 में का वैल्यू दिया हुआ है 77,400 और 1,14,000, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रीडर्स फ्रॉम सिटी एफ 2019 एंड 2023, तो पहले डी का वैल्यू लिख लीजिए, आइए क्या करना है आपको डी का वैल्यू लिख लेना है, ठीक है। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, सर डी का वैल्यू दिया हुआ है 2019 में 77,400 और 2023 में दिया हुआ है कितना सर 1,14,000, ठीक है। अब मुझे बताइए 2019 में डी का परसेंट कितना है, ये देख लो डेटा दिया हुआ है ना, डी का परसेंट 9% है और 23 में 10%, 23 में कितना हुआ है 10% है, कितना है 10%, तो भाई साहब अगर 2019 में अगर ये 9% बराबर के 77,400 दिया हुआ है तो 1% बराबर कितना आ जाएगा सर, 1% बराबर आप 77,400 में को डिवाइड करिएगा 9 से तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 8,600, 1% की वैल्यू में निकाल ले रहा हूं, ठीक है। चलिए अब बी में आ जाइए सर, 1,14,000 बराबर दिया हुआ है 10%, ये दिया हुआ है ना,
ये देखो 10% दिया हुआ है और 1,14,000 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। तो अब 1% बराबर कितना हो जाएगा सर, 11,400। क्लियर है बात यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ बताना। नहीं सर, 20 का वैल्यू दिया हुआ था 77,400, हमने 9% दिया हुआ था उसको डिवाइड किया, 1% की वैल्यू निकाल ली। उसी तरह से 2023 में 1,14,000 वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने 10% के हिसाब से उसकी 1% की वैल्यू निकाल ली। अब यही चीज पूछ रहा है कि भाई साहब बताओ कि आपका एफ में क्या होगा ना, ये पूछ रहा है ना। देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ लीडर सिटी एफ इन द 2019 इन दैट 2023। तो भैया 2023 और ये का 20 का डिफरेंस पूछ रहा है। आप पहले एफ वाला में निकाल लें सर, आइए एफ में कितना दिया हुआ है सर, एफ में दिया हुआ है 26% और 22%। देखें जी सर, तो 26% और 22% का देखिए, आइए अगर हम बात करें एफ का 2019 में, ठीक है, 2019 वाला का बात कितना आ गया था सर, 8,600, 1% का रेट था। तो यहां कितना परसेंट था सर, 26%। एक मिनट देख लें, हाँ एफ में 2019 में 26% है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 8,600 × 26 तो ये आ जाएगा 2,23,600, ठीक है। और एफ का 2023 में जो था सर, 1% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 11,400। और भाई साहब एफ का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 22%। तो इंटू 22 अगर आप कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2,50,800। कितनी आ जाएगी, 2,50,800। तो भाई साहब अब करना कुछ नहीं है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। पूछा है एफ का डिफरेंस, क्या पूछा है, एफ का डिफरेंस, मतलब सीधा सीधी बात है डी वाला से परसेंटेज निकाल लेना था और उसके बाद इसमें माइनस कर दो। अब दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो आ जाएगा 27,200, और यही आपका ऑप्शन है 27,200, क्या है, सेकंड नंबर। क्लियर है? तो 4 का नंबर 2। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है द नंबर ऑफ सिटी सी इन 2019 एंड फ्रॉम द सिटी ई 2023 73,151,300, यानी 73,100 और 51,300 दिया हुआ है रीडर्स, ठीक है, किसका, सिटी सी का। सेम वही कहानी जो ऊपर अभी हमने किया, ठीक है। चलो अब कह रहा है देन द नंबर ऑफ रीडर्स सिटी बी इन द ईयर 2023 वाज अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट मोर देन 2019। तो भाई साहब सी का दिया हुआ है ना, और आपको क्या पूछ रहा है, सिटी ऑफ नंबर सी, और अच्छा सी का ये दिया हुआ है 2019 का और सिटी ई का 2023 का दिया हुआ है, दोनों का डेटा दिया हुआ है, ठीक। अब पूछ रहा है कि भैया बताओ सिटी बी में, जो सिटी बी है उसका कितना परसेंट ज्यादा होगा 2019 से। तो पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है सी और ई के बारे में, उसके बाद पूछा क्या है सर, पूछा है सिटी बी के बारे में, कंपेयर करके कि 2019 से 2023 में कितना ज्यादा था, ठीक है। कुछ भी नहीं है, इजी है, आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है। देखो ध्यान से देखो, सिटी सी की अगर हम बात करें तो, सिटी सी की बात करें तो क्या क्या देखना है भाई साहब, 2019 में कितना है ये देखो, 2019 सिटी सी 73,100, 2019 सिटी सी 73,100, और 73,100 सिटी सी में देखिए 2019 में कितने परसेंट के बराबर है, 17% के बराबर, ये दिया हुआ है ना, ये देखो 17% के बराबर, तो इक्वल टू 17%, ठीक है। अब 22 था 73,100 इक्वल टू 17%, तो 1% बराबर 73,100 डिवाइडेड बाय 17, यही होगा ना जी सर। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, इसकी वैल्यू आएगी 4,300। ये सिटी सी के बारे में था। अब सिटी ई के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या है सिटी ई का 2023 का, ये इंफॉर्मेशन है क्या है कि सर 51,300 है, कितना है ये देखो 51,300, ठीक है। अब 51,300 के बराबर कितना परसेंट दिया हुआ है ये भी देख लो, ये देखो कौन सा है भाई, सिटी ई, सिटी ई में देख लीजिए 9%, कितना है 9%, तो 51,300 इक्वल टू 9%। तो सर 1% बराबर क्या, 51,300 डिवाइडेड बाई 9, आ कितना गया सर, आ गया ये 5,700। क्लियर है, दोनों का एक एक परसेंट में आ गया वैल्यू जी सर। अब पूछ रहा है कि भाई साहब बताओ 2019 से 23 में बी का कितना रहा, तो भाई साहब उसके लिए बी का देखना पड़ेगा ना, आ जाओ
सिटी बी, सिटी बी का 2019 और 20 में कितना, 19-23 में कितना रहा है देखो, 14% और 16% रहा है। आ जाओ सिटी बी 2019 में 1% बराबर कितना था भाई साहब, ये देख लो 1% बराबर सिटी ये 4300 रुपया, ठीक है। तो 2019 में 4300 रुपया के बराबर 1% था और यहाँ कितने परसेंट थे, 14%। तो आ कितना गया भाई साहब, आ गया 60,200, कितना आ गया 60,200। 2023 में सर कितना परसेंट के बराबर था, 1% के बराबर कितना रुपया था, 5700 रुपया। तो 1% बराबर 5700 रुपया है, तो यहाँ कितना परसेंट थे, 16%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आपकी आ जाएगी 91,200, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस देख लो, ये दोनों का डिफरेंस, क्योंकि मोर देन कितना ज्यादा है ये पूछा है कि 2023 वाला जो है 2019 से कितना ज्यादा है, तो भैया 31,000 ज्यादा है, ठीक है। तो मोर देन परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 31,000 बेस वैल्यू हमेशा किसको लेंगे सर, किससे ज्यादा लेना है, मतलब जो बेस वैल्यू होगा 2019 का होगा, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज कर लीजिएगा, तो 51.49% आएगा, जिसको 51.50% आप कह सकते हैं, और यही आपका आंसर है यहां पे, देखिए 51.54 नंबर, क्लियर है। तो ये डीआई मैंने आपको सिर्फ बना के दिखा दिया, वैसे इसमें इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैं मेरे को एक्सप्लेन करना था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अब चलो फटाफट फटाफट आंसर्स बताते हैं, जल्दी जल्दी से इसका आंसर करते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। सर क्यों सर, 2 में क्या क्या है सर, एटल, एटल बोलते हैं एंड अदर्स को, ठीक है। बी एंटे बोलते हैं बिफोर को, सी एफ उसको बोलते हैं आपका कंपेयर करने का, और एबिट बोलते हैं इन द सेम प्लेस, ठीक है, याद रखिएगा। तो आ जाएगा इसका आंसर 2 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सर, क्वेश्चन नंबर फोटोकेमिकल स्मोक की बात किया जा रहा है, इसमें 3 चीजें होती है क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सनलाइट और ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, वॉक्स। आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 7 का क्या होगा 4 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका 4 मैथ्स का चीज है, 4 मैथ्स में जो 2 चीजें हैं वो आपके सही हो जाएंगे, बी और सी, यानी कि सेकंड नंबर। 4 तरीके का मैथ्स दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें सॉल्व करने में आपको बी और सी बिल्कुल सही समझ में आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है विच फैलेसी इज कमिटेड फॉल्स स्टेटमेंट वाला बात है, तो इसमें क्या बोल रहा है देखिए, ये थेटरोलॉजी क्या बोल रहा है कि पीपल विद द केसेस ऑफ फ्लू शुड बी केप्ट इन द क्वारंटीन बिकॉज इट हैज नेवर बीन डिस्प्रूवन द बेस्ट मीन्स ऑफ कीपिंग डिजीज। भाई साहब जिस चीज को प्रूफ ना करने वाली बात हो फिर उसी चीज को मान लेना, मतलब इसको बोलते थे थेटरोलॉजी, है ना, कि जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि भगवान को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, भगवान है ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपका क्या है भगवान नहीं है, ऐसा वाला सीन था। तो अपील टू इग्नोरेंस बोलेंगे इसको थेटरोलॉजी, ठीक है, क्या बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर आइए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भाई साहब कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू द स्टडी सजेस्ट दैट ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस। तो भाई साहब जो नॉलेज हम एक्सपीरियंस के थ्रू लाते हैं उसको हम लोग इंपिरिसिज्म बोलते हैं, यानी कि 3rd नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चले सर, उसके बाद किसकी बात कर रहा है, कह रहा है जो स्वयं कोर्स का नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो वो था यूजीसी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा था 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है सर, मैच द कॉलम पूछा है, क्या पूछा है जी, मैच द कॉलम पूछा है। अब मैच द कॉलम पूछा है तो क्या क्या है, एनिशियन ट्रीटीज पूछा है और ऑथर उसके कौन है, तो देखिए न्याय जो है वो गौतम है इनके, ठीक है, आपको योगा पतंजलि फेवरेट है भाई साहब, अर्थशास्त्र की बात करें चाणक्य और लीलावती जो है वो भास्कर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 का तो 13 का जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 14 में पीओपी, पीओपी जो है वो 1st नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स पॉप्स का फुल फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 आप इसको देखिएगा करके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना कि कौन सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले के हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन ये सी बी ए और डी, ये देखिए बना दिया है बनाने वाले ने, तो फिर मुझे इजी पड़ गया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में मैच द कॉलम है, ठीक है। अगर हम बात करें माइक्रो वॉइस, इसी से बन जाएगा, वॉइस ओवर से बन जाएगा माइक्रोफोन, क्या हो जाएगा माइक्रोफोन, तो ए का आपका क्या हो जाएगा सर 3rd नंबर। अब ए का 3rd नंबर कहाँ है सर, एक ही में है, तो यानी कि 2nd नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, 16 का 2 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 तो बोल रहा है एनालॉग सिग्नल से कम्युनिकेशन
क्या बोलते हैं सॉरी डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल तक जो कम्युनिकेशन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, है ना जी। तो ऑप्शन रहेगा 17 नंबर क्वेश्चन का मॉडम, ठीक है याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, शोध सिंधु आ जाएगा जो एक्सेस दे सकता है किसी चीज का, ई रिसोर्सेज का यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को। शोध गंगोत्री सिनॉप्सिस के लिए होता है, किसके लिए होता है, सिनॉप्सिस के लिए होता है, बीका वन। फिर शोध शुद्धि, सर शोध शुद्धि प्लैगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होता है ये, और फिर फोसी हो जाता है टू का। तो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का वन, सी का फोर, डी का टू, है ना। चलिए नेक्स्ट चले आइए सर, तो ये आ जाएगा 18 में। अब क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो सर 19 में पूछा है कम्युनिकेशन जो हेल्प करता है ना अचीव करने में ग्रुप ग्रुप को, ठीक है ग्रुप के गोल को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्रोमोटिव रोल बोलते हैं। वो कौन सा रोल कहलाता है, प्रोमोटिव रोल, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 10 आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ब्रीडर्स के बारे में पूछा है, ब्रीडर का रिएक्टर्स के बारे में, तो इसका आंसर जो आपका है वो हो जाएगा 1, ए सी और डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉनोटेशंस की बात कर रहा है, इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का वो होगा भाई साहब 4, ए सी बी और डी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो रिसर्च का है ना, बेसिकली इसमें ये स्टैटिस्टिक्स पार्ट्स का है, कोरिलेशन और रिग्रेशन का, तो उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आंसर बी और सी होना चाहिए, लेकिन इसमें एक बार थोड़ा सा डाउट है, देखिएगा बी और सी अभी आप मान के चल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो ये पूछा है भाई साहब कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पे आपको हमेशा जो आपका पॉपुलेशन है उसमें से इक्वल चांस देता है आपको डेटा कलेक्ट करने का, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। न्याय सरलिज्म, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो न्याय सरलिज्म में क्या पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, तो इसमें थर्ड नंबर जो है वो आपका करेक्ट है। 5 प्रीपोजिशंस होते हैं उसमें, है ना, 5 प्रीपोजिशंस होते हैं, क्या, सरफून, प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपनयन और निगमना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आए, सर क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बात बोल रहा है कि जो कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो फर्स्ट मार्क किया था, सेपरेशन किया था ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का, उसको तार बोला गया, टेलीग्राफ, क्या बोला गया, टेलीग्राफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो यह पूछा कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में जो ग्रेजुएशन 4 साल के लिए आप करते हैं, है ना, उसमें आप डिग्री प्लस ऑनर्स के साथ साथ रिसर्च के लिए भी आप ये जो 4 साल का डिग्री कोर्स होता है उसके लिए आपको कितना क्रेडिट मिलेगा, उसके लिए क्रेडिट जो मिलेगा वो 6 मिलेगा, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि भाई सर रैंक बताइए आप स्लोएस्ट से फास्टेस्ट में कंप्यूटर कंपोनेंट्स का, तो सबसे पहले डी सी बी और ए, ये आ जाएगा डी सी बी ए, है ना, कहां गया भाई साहब, फर्स्ट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो सर कह रहा माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन जो इन्वॉल्व्स है कम्युनिकेशन मीनिंग, तो भाई साहब माइंड टू माइंड मतलब दिमाग में अपना बात करने वाला, तो फिजिकल सेटिंग से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ए वाले जितने ऑप्शन इसको हटा दो, पहला और तीसरा गया, अब बचा बी सी डी और सी डी, तो सी डी दोनों में कॉमन तो होगा ही, बी और ई में देख लेते हैं, तो बी की बात अगर कर रहा है तो बी में शेयर्ड बिलीफ, सर ये भी इसमें नहीं होगा, वैल्यूज नॉइज पॉल्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये सही होगा, यानी कि सी डी ई ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 29 का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, कह रहा है सब डिविजन इम्प्लिसिट जो अनकॉन्शियस मेमोरी है, ह्यूमन मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा सर ह्यूमन मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया, तो अगर बात करें कॉन्शियस मेमोरी की जिसको एक्सप्लिसिट मेमोरी कहते हैं, तो उसमें 2 मेमोरी होती है, एपिसोडिक और सेमेंटिक, बीओडी तो खत्म हो गया क्योंकि वो कॉन्शियस मेमोरी है, अनकॉन्शियस के लिए 3 मेमोरी है, प्राइमरी, प्राइमिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट्स और प्रोसीजरल मेमोरी, ए सी और ई, आंसर क्या हो जाएगा, ए सी और ई, ठीक है, क्योंकि भाई साहब बी तो और डी तो आपका एक्सप्लिसिट मेमोरी है, याद रखिएगा इसको, अभी आपका ये मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड नंबर, ए सी और ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आइए, क्वेश्चन नंबर 31 का पहला आंसर होगा क्या होगा, ए बी और, एक मिनट क्वेश्चन नंबर 31 का 4 होगा ए बी और ई, क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा, ए बी और ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में जाते हैं, 32 में भाई साहब कंप्यूटर मेमोरी की बात करी गई है, तो बोरा 25 के भी जो है लार्जर है किससे, 100 MB से, पॉसिबल ही नहीं है, गलत, 999 MB जो है 50 GB से बड़ा है, ये भी गलत बात है, कह रहा है 2350 byte जो है 2 KB से बड़ा है, 2 KB बड़ा 2000 होता है तो उससे छोटा है, सॉरी 2350 byte जो है छोटा है 2 KB से, तो भाई साहब ये गलत बात है, बड़ा है क्योंकि 2000 KB ही 2000 bytes ही होगा 2 KB बराबर, तो ये भी गलत, तो आंसर सी होगा, सिर्फ सी आंसर सही।
33 की बात कर लें, सर 33 बोल रहा है नो हॉर्सेस आर फेलाइन, तो भैया नो का कन्वर्जन पॉसिबल है इसलिए नो फेलाइन आर हॉर्सेस आपका आंसर और नंबर वन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा, मीडिया अकाउंटेबिलिटी किसके लिए, तो भैया सीधा सी बात है इवैल्यूएशन कर सकता है लेकिन ऑडियंस पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन होगा सारा हटेगा, ये गया ये गया ये गया, आंसर हो जाएगा 4 नंबर ए सी और डी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 35 पे पूछा गया कि भाई साहब कौन सा ऐसा डिजिटल इनिशिएटिव है जो प्रोवाइड करता है डेटाबेस किसके, साइंटिस्ट का, रिसर्चर का या अदर फैकल्टी मेंबर्स का जो लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के हैं, तो भाई साहब इसके लिए एक ही है ई विद्वान, क्या है ई विद्वान, जहां पे आपको सारा डेटा मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोला कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्वेश्चन नंबर 36 ठीक है। देखिए इसके हिसाब से इसमें भी एक क्वेश्चन थोड़ा डाउट है बट अभी इसको आप बी और डी लेके चल सकते हैं, क्या बी और डी लेके चल सकते हैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 सर इसमें तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है कि पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद पहला कमीशन कौन बना था, तो सर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जिसको राधा कृष्ण कमीशन भी कहते थे 1948-49 में ये बना था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 जो कह रहा है फाइंड अलजेब्रा मोर डिफिकल्ट देन योर सिस्टर, भाई साहब ये मेटा कॉग्निशन की बात कर रहा है, सेल्फ कंपैरिजन की है ना, किसकी बात कर रहा है मेटा कॉग्निशन की, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा पहला नंबर, क्यों कौन सा आएगा फर्स्ट नंबर एक का टू, नेफ्रोटॉक्सिक बोलते हैं किडनी से रिलेटेड ठीक है, हेमाटॉक्सिक बोलते हैं ब्लड से रिलेटेड, एक मिनट क्वेश्चन नंबर 39 का वन, हाँ ठीक है, फिर इसके बोलते हैं ब्लड से रिलेटेड है ना, फिर पल्मन टॉक्सिक बोलते हैं सी, सी बोलते हैं भाई साहब किसे वन यानी कि ये इससे, और डी होता है लिवर से रिलेटेड, ये बात याद रखिएगा तो आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर ले, आ जाओ सर मिलेनियम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ऐसे भी पता है कि आपका जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था वो कितना था, 8 गोल था, उसका टारगेट कितना था सर 21 टारगेट था, तो आप यही से लगा लीजिए ये इसका ये आ जाएगा टारगेट जो मिलेनियम का है वो 21 आ जाएगा, सर गोल्स जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल था और उसके टारगेट जो है 169 टारगेट थे ठीक है, तो याद रखिएगा ए का 1 और डी का 4 सर ये तो सेम है और बाकी बी का 3 और सी का 2 आ जाएगा, तो आइए इसका आंसर लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40 का 2 आ जाएगा। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, अरेंज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन, सर डिडक्शन की बात करें अगर डिडक्शन और इंडक्शन, ये सर डिडक्टिव रिसर्च इंडक्टिव रिसर्च, तो अगर हम डिडक्शन की बात करें तो हमेशा हम कोई थ्योरी को क्या करते हैं रिविजन करते हैं थ्योरी का, और वहां पे हम क्या करते हैं थ्योरी बनी होती है ऑलरेडी थ्योरी हमारे पास होती है उसका हम टेस्टिंग करके रिवाइज करते हैं, लेकिन अगर हम इंडक्शन की बात करें तो वहां रिविजन नहीं होता है ना, ये बात आपको पता है, तो यहां पे क्या होगा सर यहां पे सबसे बड़ा चीज होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले जो है वो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग है ये करेंगे इसमें हम एक मिनट 41 हाँ सबसे पहले ये करेंगे डेटा कलेक्शन, फिर करेंगे आपका फाइंडिंग्स, फिर हाइपोथेसिस कंफर्म्ड और फिर उसके बाद रिवीजन थ्योरी जो होगा वो होगा, क्या होगा सर 41 का 2, क्या हो जाएगा ऑप्शन जी 41 का 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा सर, क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो आ जाएगा आपका ए फ्री कॉमर्स और कम्युनिकेशन, सर ये एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया है ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स ये अल्फ्रेड मार्शल ठीक है, लैंग्वेज इज द कंडीट ऑफ कम्युनिकेशन ये जो है भाई साहब जॉन लॉक देखेंगे, और लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो कार्ल मार्क्स देखेंगे, तो आंसर आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 42 का 4 नंबर। 43 सर 43 की अगर हम बात करें तो इसका सही सीक्वेंस होगा ईएडीसीबी ठीक है, याद रखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ये आया है 1969 में, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट ये आया है 1995 में, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च ये जो आया है 1981 में, और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो ये आया है 1972 में, और ये IIAS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ये आया है 1965 में, आप इसको मैच कर लीजिएगा आंसर वही होगा ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 ये सर मैच द कॉलम में दे दिया लेकिन है वैसा कुछ नहीं करना है, सब मैच कर देना आपको, किसमें क्या मैच कर देना सर, देखिए फाइंड FIND लिखा हुआ है उसको कौन सा है, तो ये क्या किया ना सामने वाला जो कॉलम है उसमें से डी के बाद एक छोड़कर अगला लिया है, जैसे डी ई एफ जी एच आई एल एम एन डी सॉरी बी सी डी, तो देख रहे हो
इधर वाले से एक ऐड कर लेना है, इधर जो रहेगा उसमें से एक ऐड करके नेक्स्ट वाला लिखना है। तो पहला का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख लीजिएगा, पहला का सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का फोर है और डी का वन है, ये कर लीजिएगा तो आंसर सेकंड नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, सर क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर जो है 39 है। देखिए पैसेज मैं नहीं बता रहा, पैसेज थोड़ा इजी था, पैसेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो पैसेज आपके लिए बहुत इजी है, आप इसको देखिएगा। ऐसे भी दो तीन क्वेश्चन तो आपके सही हो ही जाते हैं पैसेज में, कम से कम, और मैक्सिमम पांच भी क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ के दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो रही है तो याद रखिएगा ये क्या सर, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और ये नंबर आपके पास है, आप कभी भी कॉल कर सके, आप इंक्वायरी या किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कॉमर्स का जो है वो भी करूंगा, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।